भारत के पहले हैवी ड्यूटी ट्रक को बनाकर चीन और अमेरिका को भी टक्कर दे दिया है। पेश करते हैं 100% मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक। नहीं नहीं, पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी से आगे है उनसे, इंडिया से। इंडिया की तो बात ही नहीं है टेक्नोलॉजी में। वाकई वाकई That's very impressive. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान को कहाँ पे देखती है? मैं कहीं पे भी नहीं देखता। क्यों पाकिस्तान की पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है? हमारे यहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इंडिया का आप देख लें, महिंद्रा उन लोगों ने बना दिया, स्कॉर्पियो उन लोगों ने बना। वहाँ पे रेडियो के ऊपर भी जो है ना डिजिटल पेमेंट अवेलेबल है, वहाँ पे क्यू आर स्कैनर रखा हुआ है उन्होंने। और दूसरा वो जो नोट वाली करेंसी है उसको डिजिटल करेंसी से रिप्लेस करें कि फ़ोन के ऊपर से आप पेमेंट कर सकते हैं। क्या लगता है कि हमारे जो ट्रक हैं, आपने कभी सोचा होगा कि ट्रक इलेक्ट्रिक हो सकते हैं जो के करंट पर टोटली बिजली पर चले? इस तरह के ट्रक के बारे में हमने कभी सोचा कि ट्रक पर चलेंगे बिजली पर? बड़ी कंपनी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट क्यों करेगी, क्यों जबकि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट के नुकसान ही नजर आएगा, कभी किसी चीज़ का फायदा नजर नहीं आएगा। कोई भी हम देखते हैं, कोई भी ब्रांड है, सैमसंग आईफोन कोई भी ब्रांड है, वो पाकिस्तान के अंदर आने के बजाय वो इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पूछो कि इंडिया जाना चाहता है, 100 आदमी में से 200 आदमी हाथ खड़ा करेंगे हमने जाना है, मतलब दो एक एक हाथ के बजाय दो दो हाथ खड़े कर लेंगे, दोनों हाथ खड़े कर लेंगे। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी समझता हूँ कि ये जो हमारे इधर लोग हैं ना, इनको ज़रूर उधर भेजना चाहिए, ज़बरदस्ती भेजे। जब भी गया फिर मैं माल उस हिंदू को देता था और रिस्पेक्ट भी करता था। जब भी जाते थे आपको लगता है होनेस्टी बहुत ज़्यादा है उनमें? नहीं नहीं, मॉनर बड़ी करते हैं वो लोग। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन अब कर ही नहीं सकते। उसके अलावा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार अब मैन्युफैक्चर करवाई है उन्होंने, जो कि हमें यहाँ पे पता भी नहीं है कि वो है या नहीं है। उसके सिस्टम का ही नहीं पता, हम अब बहुत ही पीछे हैं हम टेक्नोलॉजी के। कराची है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं इनकी व्हीकल्स की, वहाँ पे भी बन तो नहीं कर रहे नहीं नहीं, मजाक तो मैं नहीं कर रहा। इंडिया से पाकिस्तान बहुत आगे है, आपको नहीं पता इस चीज़ का। 5 ऐसे मुल्क 75 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट की है वो भी इंडिया के ऊपर की है। तो अब मुझे बताएं कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करें तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस समय जितने भी ममालिक की मैं बात करें तो रशिया की करें तो सऊदी, ईरान, इराक, अमेरिका तक की बात कर लेते तो इस समय सबकी नज़रें इंडिया के ऊपर ही। आखिर क्या वजह है कि इंडिया की आज पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट होती नजर आ रही है, जबकि पाकिस्तान अगर किसी कंट्री में जाता है या तो हेल्प के लिए जाता है या फिर पनाह के लिए हमारे पॉलिटिशियंस किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं। हमेशा उनकी तरक्की के बारे में सुनता आ रहा हूँ और डेली। और पाकिस्तान को हम ले लें तो भाई पाकिस्तान में यहाँ पे कभी सियासत, कभी कुर्सी, कभी ये, कभी फलां, कभी ढिनका, इन्हीं चीज़ों पे चल रही है। बिल्कुल सर, वो हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमें हमसे आगे जाना चाहिए, उनसे उनको हमसे अप्रिशिएट होना चाहिए। ये देखिए ना, नितिन गडकरी जी के दीवाने हो गए, आप कहेंगे ऐसा क्या खास है और किस बात के डाई करो? तो भाई ये चलती फिरती हाईटेक कार को भी ना पीछे कर देगी। सबसे बड़ी वजह दिखाता हूँ, देखो इसकी की है, आप देखते हो ना ट्रक की चाबी बहुत है आपको लोकल लगती है। ये देखो भाई, इसमें ये लॉक वाला सिस्टम है और ये देखो अब इसको अनलॉक कर दिया, ये दबाया जैसे ही ट्रक अनलॉक हो गया। इस ट्रक की खासियत ये ना कि एयर सस्पेंशन सीट तो दी गई है जिससे आपको आराम होगा, एयर सस्पेंशन कैबिन भी दिया गया, यानी झटका उसके लगने की तो बात ही भूल जाओ। अगर इस ट्रक में आग पकड़ लेती है तो इसमें ऐसा सिस्टम दिया गया ऑटोमेटिकली वो आग बुझाना शुरू कर देगा। और तो और क्या है भैया कि ड्राइवर फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी अगर गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर को थकान आ रही है ऐसे ऐसे करते तुरंत शोर करना शुरू कर देगा, भाई उठो 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 उठो। अगर 10 मीटर के रेंज में कोई भी चीज आएगी तो इस स्क्रीन पर वो चीज का अलार्म बजने लगेगा। ऑटोमेटिक कार चलाने का आपको मजा मिलेगा, 7-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ना, वो बहुत ही कंफर्टेबल। लगता है टेक्नोलॉजी के लिहाज से कौन आगे, हम या फिर हमारा पड़ोसी इंडिया? नहीं नहीं, पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी से आगे है उनसे, इंडिया से। इंडिया की तो बात ही नहीं है टेक्नोलॉजी में। कौन कौन सी चीज़ों में उनसे आगे हैं? ये देखें आपके सामने ओरेंट ट्रेन है, ओरेंट ट्रेन है और उसके बाद आपके पास मेट्रो ये जा रही है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया से हम आगे जा रहे हैं। अच्छा, तो इंडिया तो कहता है कि हर चीज़ में मैं आगे हूँ, वहाँ कहता है मेरी मईशत भी आगे जा रही है, GDP भी आगे जा रही है, उनको कैसे जवाब देंगे आप? इंडिया को बस इसी हवाले से जवाब देंगे कि मतलब उनकी जैसे भी टेक्नोलॉजी, मतलब इतनी ज़्यादा उनकी कोई बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान की इंप्रूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, आगे की तरफ जा रही है टेक्नोलॉजी में। माशे चाहे पाकिस्तान की जो है वो नीचे जा रही हो, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान की आगे जा रही है। यार हमारे यहाँ पर जहाज़ों की टेक्नोलॉजी आगे जा रही होगी, लेकिन उसके बाद अगर मैं बताऊँ क्या हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो हम खुद बना रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों हैं जैसे कराची है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं इनकी व्हीकल्स की, वहाँ पे भी बन तो नहीं कर रहे नहीं नहीं, मजाक तो मैं नहीं कर रहा। इंडिया से पाकिस्तान बहुत आगे है, आपको नहीं पता इस चीज़ का। हाँ जी बिल्कुल, चलो इंडिया से हम इतने ही आगे हैं तो एक मैं आपको ना वीडियो दिखा देता हूँ, शायद उसके बाद आपको समझ आ जाए और आप शायद कह दें कि भाई हम पीछे रह गए हैं उनसे।
ये देखिए ना, नितिन गडकरी जी भी दीवाने हो गए, आप कहेंगे ऐसा क्या खास है और किस बात के डाई करो, तो भाई ये चलती फिरती हाईटेक कार को भी ना पीछे कर देगी। हमारे पास इस तरह के ट्रक है, पाकिस्तान में इस तरह के वैसे नहीं है ट्रक, लेकिन फिर भी यही है कि काम हो रहा है और आगे मुसलसल जो है वो काम होता रहेगा। इसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट्स भी जो है वो बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान इसके ऊपर काम करेगा। हमारे पास तो अपने मेड इन इंडिया के वो रेडी भी नहीं है भाई, ट्रक भी टायर भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, गधे हमारे अपने हाँ तो बस यही है ना कि मतलब काम हो रहा है पाकिस्तान में, बस यही है कि काम हो रहा है, ये नहीं पता किधर हो रहा है। मान जाओ यार, कुछ नहीं होता, मान जाओ कि वो आगे निकल गए। जी जी, इंडिया जो है वो वाकई में आगे है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो नए नए हैं पाकिस्तान को, तो उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकता जो जो वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। वो चांद पे चले गए, उनकी टेक्नोलॉजी इधर से देख लो। जी जी बिल्कुल, वो चांद पे चले गए और पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, क्योंकि सबने चांद पे चले जाना है और पाकिस्तान ने बाकी दुनिया में राज जाना है। इतनी ही चांद बना लिया ऐसे अपने मुल्क को यार, कैसे देखते हो कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको, उनका प्लस पॉइंट है जो उनको ऊपर लेके जाता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनके पास है हमारे पास नहीं है? उनके पास सबसे पहले ये है कि उनके पास स्टडी बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंस रखती है वो स्टडी है, सबसे पहले मैटर करती है स्टडी, वो स्टडी में पाकिस्तान से बहुत आगे है। इलेक्ट्रिक कार के बाद इलेक्ट्रिक ट्रक भी मेड इन इंडिया इंडियन गुजरात में बना लिया गया, और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक ट्रक जो है खवातीन भी चला सकती हैं। ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ चुका है, अब इंडिया ने मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक बना लिया है, वो भी इंडियन गुजरात में, क्या कहेंगे आप? वाकई दैट्स वेरी इंप्रेसिव। एक्चुअल में बात यह है कि जो मेन रीजन है वो इंडिया की इकॉनमी है, उनके पास इतना पैसा है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है, और उन्हें आउटपुट्स भी मिलती हैं, ठीक है। जारी बात है, आप किसी चीज़ में इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट मिलेगी, तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें आउटपुट मिलती है और वो कहते हैं कामयाबी होते हैं। हमारी इकॉनमी जो है वो इंडिया के निस्बत बड़ी मतलब कि बहुत ही नीचे जा चुकी है, तो हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लोग किस तरह मतलब कि इस तरह की ऑटोमोबाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? ऑटोमोबाइल का आप हाल तो देख लें कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। गाड़ी जो सस्ती से सस्ती गाड़ी थी वो भी अब इतनी महंगी से महंगी होगी कि आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आप सोच सकती हैं कि मतलब कि इस हालात के अंदर हम इस काबिल हैं कि हम एक ट्रक बना लें, वो भी इलेक्ट्रिक? नहीं, हम नहीं बना सकते, इंडिया ने बना लिया, वो भी मेड इन इंडिया। वो तो इंडिया की बात है ना, इंडिया तो हमारे से कई चीज़ें आगे। अब देखें, इंडिया के जो इंस्टीट्यूट हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट, वो हमारे से कई हिस्से बेहतर हैं, ठीक है। उनके जो इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहते हैं इन्फोर्स किया जाता है, उन्हें बूस्ट किया जाता है। डेफिनेटली जब वो बूस्ट होते हैं तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इस तरह के ऊपर काम करते हैं। डेफिनेटली वो इंडिया का मेड इन है, मेड इन इंडिया, इंडिया ने खुद बनाया, इंडियन कंपनी ने बनाया। भाई आप क्या कह सकते हैं इसके? दुनिया के अंदर आप बड़ी बड़ी कंट्रीज देखोगे, वो वहाँ पर अपनी व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रहा है। आप देखो कि एक आल्टो कार जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 31 लाख की मिल रही है, इंडिया के अंदर 2.5 लाख रुपए की है। यहाँ पर 2.5 लाख के तो मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल भी नहीं मिलती 1-5। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई, महंगी चीज़ें भी हैं, ठीक है, और उधर जो है वो इसी हिसाब से जो है वो बहुत ज़्यादा गाड़ी मिल रही है। हाँ, जीरो मीटर वो जो है वो ढाई सेकेंड हैंड गाड़ी लोगे, जो हम यहाँ पर सेकेंड हैंड 40 के लेते हैं, वहाँ पर तो 3 लाख की, 2 लाख की, 2.5 लाख की मिल जाती होगी यार। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पे जो है वो करेंसी भी बहुत डाउन है और पाकिस्तान में करेंसी जो है वो ऊपर से ऊपर, डॉलर जो है वो ऊपर से ऊपर जाई जा रहा है। और ये तो बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए, उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज पहले तो बहुत जॉब की बहुत ज़्यादा थी, जिस तरह से भी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया कि ट्रक के बाद उस लोगों के, मैं आपसे बता दूँ, एयरपोर्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी आईफोन की, वो भी इंडिया में हो रही है। जापान जैसे मुल्क ने $75 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की है वो भी इंडिया के ऊपर की है। तो अब मुझे बताएं कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करें तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस समय जितने भी ममालिक की मैं बात करें, तो रशिया की करें, तो सऊदीया, ईरान, इराक, अमेरिका तक की बात कर लेते, तो इस समय सबकी नज़रें इंडिया के ऊपर ही हैं। क्योंकि देखिए क्योंकि देखिए अमेरिका तो पहली सुपर पावर बन चुका है, उसके बाद चाइना तो पहली सुपर पावर है, अब तीसरा जो सुपर पावर बनने जा रहा है आई थिंक सो वो इंडिया बनने जा रहा है। क्योंकि देखिए जब सब मुल्कों की नज़र एक मुल्क के ऊपर होगी और वो सुपर पावर बनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग उसने स्ट्रगल किया है यार, वो एक्साइटेड क्यों ना। अगर मैं वही अपने मुल्क की बात कर लूं तो मुझे बताइए, हमने तो 18 मिलियन डॉलर्स का फाइन हमें फंडने वाला था जो हमने ईरान के साथ माहिदा तय किया था गैस की पाइपलाइन के ऊपर। हम तो, मुझे ये बात समझ नहीं आती, हम तो 1 अरब डॉलर के लिए मर रहे हैं, तो जब हमें 18 मिलियन डॉलर्स का फाइन पे होगा तो हम वो कहाँ से पे करेंगे?